ये देखिए मैंने एक तड़का बनाया है राई कड़ी पत्ते के साथ और लाल मिर्च के साथ। अब इसको इसी में इस तरह से डाल दें। अब देखिए मेरा एकदम ये जो रसम बन के तैयार हो गया है। और इसका प्रोसेस कैसा है पूरा फॉलो कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में लाजवाब। आप बड़े के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और सिंपल टमाटर रसम। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में एक टमाटर रसम बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 टमाटर महीन चॉप कर लिए हैं, कड़ी पत्ता है और थोड़े से कड़ी पत्ता, लहसुन, अदरक और ये 2 हरी मिर्च हैं इसमें छोटी। मैंने बहुत तीखा नहीं बना रहे हैं तो 2 हरी मिर्च है, ये देखिए 2 हरी मिर्च है, 4-5 कली लहसुन, अदरक और कड़ी पत्ता। इनको हम क्रश करेंगे इस खल में। तो पहले मैं काली मिर्च 1 छोटे चम्मच और ये जीरा, इसको क्रश कर लूँगी और कुटे हुए मसाले को ही उसमें प्रयोग करूँगी। तो उसको पहले तैयार कर लूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस। देखिए ये मसाला मैंने क्रश कर लिया है, इसको एक छोटे ये मैं बॉटल छोटी सी है मेरे उसमें निकाल ले रही हूँ। और इसको निकालने के बाद अब इसी खल में, इस खल में हम ये मसाले सब डाल के कूट लेंगे। कड़ी पत्ता है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। और आपको ज़्यादा तीखा खाना हो तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, मैं हल्का डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर राई डाल दें। अगर आपके पास राई नहीं है तो आप सरसों डाल दें, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ते डाल देंगे, 2-4 कड़ी पत्ते डाल देंगे। और जो ये मसाला मैंने कूट के बनाया है, कड़ी पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का, इसको भी इसी में डालेंगे। और 1 का लाल मिर्च, आपको अगर तीखा ज़्यादा खाना है तो और डाल सकते हैं, मैंने 1 डाला है। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जो मसाला मैंने कूट के रखा था ना, उसको मैंने डाल दिया है। कड़ी पत्ते को कूट के डालने से उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, फ्लेवर आ जाता है। वैसे भी थोड़ा सा मैंने अलग से भी डाला है कड़ी पत्ता, लेकिन ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का ये फ्रेश मसाला मैंने बनाया है, इसको भून लेंगे। और चूंकि ये टमाटो रसम बन रहा है तो मैं इमली का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए, अगर टमाटो आपके खट्टे नहीं हैं तो आप इमली भी का जूस भी डाल सकते हैं। और मैं 3 टमाटर ली हूँ बड़े साइज़ का और मेरे टमाटर अच्छे खट्टे हैं, सॉरी खट्टे हैं, इसलिए मैं टमाटर का ही प्रयोग। ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें ज़रा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए और टमाटर, और उसके साथ ही नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और हल्दी। देखिए ये टमाटर जो है गलने के लिए हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार, और साथ में हींग ज़्यादा सा, इसका हींग ज़्यादा डालिए जिससे उसका फ्लेवर आए अच्छी तरह से। और वो कूटा मसाला जो मैंने काली मिर्च और जीरे का बनाया था वो भी आधा चम्मच डाल देंगे बस। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप पूरा डाल दिए, मैंने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च का बनाया तो मैं उसका आधा डाल रही हूँ। ये देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन रहे हैं, इसमें और कोई मसाला नहीं प्रयोग होगा। और रसम पाउडर डालेंगे बस, तो वो बाद में डालेंगे। ये टमाटर अच्छी तरह से गल गए इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और ढक दिया उसको थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए ढक दिया। ये फटाफट बनने वाला रसम है और बहुत आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बड़े के साथ वड़ा बना लीजिए, उसके साथ खाइए, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप सूप की तरह पी सकते हैं, राइस के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया। अब इसको हम इस तरह से ढक देंगे। ये देखिए मेरा रसम का ये टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह, कितना बढ़िया कलर आया है, गल गया है। अब इसमें इसी स्टेज पे हम ये पानी डाल देंगे अंदाज से, जितना मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ उसी तरह से बनाया है। 3 टमाटर डाले हैं, अगर आपको ज़्यादा बनाना है उसी हिसाब से टमाटर डालिए, और जितना नहीं तो आप इमली का रस भी इसमें डाल सकते हैं टमाटर के साथ थोड़ा सा, तो उससे खट्टा ज़्यादा हो। लेकिन मुझे ये 3 टमाटर का पर्याप्त है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, इसको करने देंगे। उसके बाद हम ये रसम पाउडर मैंने घर का बनाया हुआ है, जो कि इसका डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। रसम पाउडर करके मैंने
अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वही रसम पाउडर मैं डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून इसमें, ये 2 टेबलस्पून डाल दीजिए और आराम से इसको ऐसे इसी तरह से पकने दीजिए बस। और इसको 2-3 मिनट तक खोल जाए बस गैस बंद कर देंगे और मेरा रसम फटाफट बनने वाला, 10 मिनट के अंदर रसम बन के तैयार हो रहा है। आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगे। रसम बन के तैयार है, अब इसको हम सर्व, रसम टोमेटो रसम बन के तैयार है। आप भी ऐसे बनाएं, खिलाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।